हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं ऐसे टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं एक कंप्लीट पाइथन का कोर्स लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं कि पाइथन में किस तरीके से हम नंबर को ऐड करवा सकते हैं, यूजर से इनपुट लेके उसको ऐड करवा सकते हैं और उसको किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि इसी तरीके से आप यूजर को इनपुट लेके यूजर से उसके बाद में हम किस तरीके से उस यूजर से यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, जैसे कि हो गया कि योर टोटल नंबर इज, योर टोटल नंबर इज 44, इस तरीके से कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। या टोटल नंबर तो मैं आपको नंबर जो जो हो 4 हो या 5 हो, किस तरीके से ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए करते शुरू करते हैं। डोंट सर, चलिए उसके लिए भी हम नया प्रोग्राम ही बना देते हैं। हमेशा हम नया प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाते हैं यूजर इनपुट। मैं छोटा कर रहा हूँ अभी, यूजर इनपुट इंटीजर पाई अपन कर लेते हैं। यूजर इनपुट इंटीजर यहाँ पे है, छोटा होता ना तो ईजी होता है रनिंग करने में हमेशा, ना तो बस बहुत दिक्कत लगता है जब बड़ा होता। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं, नंबर नंबर 1 लेते हैं, वही सेम आईडी लगाते हैं पहले जैसे। इनपुट लेते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इनपुट कर देगा। नंबर 2 सेम उसी तरीके से आपको शायद याद भी होगा, ये बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, अभी आपको समझाने वाला हूँ। सेकेंड नंबर, तो ये क्या कर देगा, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इनपुट कर देगा। लेकिन हमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे INT में कन्वर्ट करना होगा, आपको पता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। INT में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद में INT में कन्वर्ट करने के बाद में उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे या मल्टीपल कर लेंगे। तो सम कर लेते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2, सम भी हो गया, नंबर सम में साइन हो गया। अब हम कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाना चाहते हैं, योर टोटल नंबर इज, या टोटल नंबर इज इक्वल टू, आप जो भी सम आए, सम जो भी आए यहाँ पे आना चाहिए। तो हम इस तरीके से प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली, आपको पता होगा ये भी, तो जो यहाँ पे है ना योर टोटल, उसको यहाँ पे इसके अंदर रखिए क्योंकि ये स्ट्रिंग है। योर टोटल नंबर इक्वल टू रखिए या इज रखिए, जो आप यहाँ पे चाहते हैं आप वही करें। मैं इज रख देता हूँ, इज थोड़ा इस पर दीजिए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए, उसका नाम लिखिए जो आपको प्रिंट करवाना है सम को। देखिए यहाँ पे जो सम है ना उसको आप करवाना, तो यहाँ पे सम लिख दीजिए थोड़ा स्पेस दे के। तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग में आके सम जो है ऐड हो जाएगा, यानी कि योर टोटल नंबर इज सम, सम मतलब नंबर 1 नंबर 2 जो भी यूजर इनपुट करेगा। सेव करते हैं, चलिए रन करके देखते हैं। जब नंबर छोटा होता ना तो बड़ा मज़ा आता रन करने में, जब छोटा नेम होता। तो देखो फर्स्ट नंबर इनपुट कर 10 कर दिया, सेकंड नंबर इनपुट कर 10 कर दिया, अब देखिए क्या हो रहा। अबे यहाँ पे क्या हो गया ऐसा भाई, बोले कनेक्ट स्ट्रिंग, अच्छा INT, अच्छा ये आप जो, अच्छा सही है, ये जो नंबर है ना ये है एक इंटीजर नंबर है, तो यहाँ जब यहाँ पे था तो स्ट्रिंग था, जब यहाँ पे आया तो क्या हो गया, ये इंटीजर बन गया। इनका मतलब जब यहाँ पे आया तो क्या बन गया, ये इंटीजर बन गया, इसीलिए बोल रहा कि मैं आपको प्रिंट नहीं करवा सकता क्योंकि आप इंटीजर है, ये नंबर क्या है इंटीजर है। तो आप एक बार और करके देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रीम में कर देते हैं STR पे, देखते हैं अब क्या कहेगा, देख तो लेते हैं ना, हमें देखना ज़रूरी है हर बात ना, बहुत अच्छा रुझावट ट्राई करते रहते हैं। तो 10 किया, 10 किया, ये देखो ये टोटल नंबर इज 20, क्योंकि क्या कर दिया इसने प्रोग्राम ने, पहले यहाँ पे
टेन को इंटीजर में क्या किया, टेन को यहाँ मैंने पास किया पहले टेन, तो टेन आ गया स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में आने के बाद जब बाहर निकला तो ये इंटीजर दिखाई दिया इसको, तो इसने क्या कर दिया इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया कि भाई जितना भी इसके अंदर है मैंने सबको इंटीजर में करना है। इसका मतलब ये कहेगा मैंने सबको इंटीजर में करना है, यानी कि जो भी यहाँ पे इंटर करता कर रहा है यूजर उसको मैं इंटीजर में कर दूंगा ये बोल रहा है। तो इसने मैंने यहाँ पे टर्न किया तो जो टेन था स्ट्रिंग था यहाँ पे, जब बाहर निकला तो ये देखा इंटीजर भी मिल गया उसे, तो ये टेन को क्या कर दिया स्ट्रिंग से इंटीजर में बना दिया। तो जब इंटीजर बनाया तो साइन हो गया यहाँ पे इंटीजर, यानी कि ये हो गया इंटीजर। मज़ा होगा आपको। इस तरीके से जब आपने मैंने सेकेंड किया टेन, तो टेन भी यहाँ पे आ गया दोबारा से। तो ये अभी तक स्ट्रिंग है यहाँ पे, अभी तक स्ट्रिंग है। जब ये बाहर निकलना चाहा तो इंटीजर इसे मिल गया गेट पे। तो गेट पे जब इंटीजर मिलता है तो बोलता है भाई रुक मैं तुझे इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ पहले। तो अब इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इसने। कन्वर्ट करने के बाद में क्या किया यहाँ पे एम टू पे इंटीजर बन गया। बन जाने के बाद में फिर एम टू यहाँ पे आके कन्वर्ट यहाँ पे आ गया। अच्छा एम टू नहीं यार भाई, एम टू हो नंबर टू है, टू जो है इंटीजर पे कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में फिर आके यहाँ पे सम में आ गया। तो जब सम में आया तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे उसका मुलाकात हो गया स्ट्रिंग से। तो बोला भाई मैं स्ट्रिंग को नहीं कर सकता प्रिंट यहाँ पे, जब आप इस तरीके से प्रिंट करवाते हो तो बोला मैं नहीं कर सकता, जैसे कि नंबर वन टेन किया नंबर टू ट्वेल्व किया। देखिए बोला कि कैन ओनली कनकेनेट, कनकेनेट बने मतलब क्या होता है कि जो प्लस होता है स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, मतलब जो इंटीजर अभी इंटीजर है। तो बोला कि मैं नहीं कर सकता उसे क्योंकि वो इंटीजर है। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि आप नहीं करवा सकते, बोला कि नहीं करेगा, तो जिस तरीके से आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बाहर इंटी लग दिए हैं, उसी तरीके से जब ये स्ट्रिंग है तो आप यहाँ इंटीजर होने के बाद में आप जब उसको प्रिंट करवाना है तो आप फिर आपको एसटीआर लगा दीजिए, बन जाएगा स्ट्रिंग। यानी कि जो भी यहाँ से आ रहा है, जैसे कि मैंने टेन किया, टेन किया कितना हो गया ट्वेंटी, ट्वेंटी यहाँ पे आ गया, तो ट्वेंटी यहाँ जब प्रिंट करवाना तो आप स्ट्रिंग प्रिंट करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। तो ये हो गया बन गया, ये देखिए टेन टेन 20, यानी कि अब स्ट्रिंग बन के प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा लेकिन ये स्ट्रिंग है अभी। ये पहला आइडिया है। तो आप इस तरीके से एस टी आर लिख के सम लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। पहले देखिए बहुत उल्टा हो रहा है, पहले इंटीजर है स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो जब बाहर निकला तो इसे मिल गया इंटीजर, तो बोला रुक मैं तुझे इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा पहले, तो इंटीजर में कर दिया। तो टेन इंटीजर बन गया, इंटीजर बनने के बाद नंबर वन पे आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया इंटीजर। उसी तरीके से जब टू इंटर किया तो था स्ट्रिंग, लेकिन जब यहाँ पे आई एन टी मिल गया गेट पे, तो मिल रहा है जब आई एन टी मिल गया तो बोल रहा कि मैं आई एन टी में करूँगा इंटीजर में करूँगा, तो ये भी इंटीजर बन गया। यहाँ पे इंटीजर ये भी आ गया, तो दोनों जब इंटीजर तो ये भी इंटीजर बन गए, यानी कि सम इंटीजर है। तो जब सम इंटीजर जब सम को यहाँ पे लाया तो सम इससे साथ नहीं साइन हो रहा, बोल रहा कि भाई वो तो दूसरा कुछ है, जैसे कि अब गाय और भैंस फर्क होती है ना, कुत्ता और बिल्ली फर्क होते हैं ना, तो कुत्ता और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते। इस तरीके से जो इंटीजर है ये इंटीजर है ना, ये अभी इंटीजर था, तो ये बोला कि मैं इसके यहाँ नहीं रहने वाला क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कुत्ता बिल्ली हो गया, तो चलो कोई नहीं हम इसको भी बिल्ली बना देते हैं। कुत्ता हुआ फिर भी हम इसे बिल्ली बना देते हैं। तो आपको जब बिल्ली बनाना, तो वैसे जैसे यहाँ पे कुत्ता को बिल्ली पे चेंज कर दिया एंट्री लगा के, इस तरीके से आप यहाँ पे भी जो आई एन टी आ रहा है एस टी आर जब लगाएंगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अब ये भी स्ट्रिंग हो गया, ये भी स्ट्रिंग तो ऐड हो जाएगा, पहला आइडिया हो गया। और दूसरा बात, इसको आप इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट योर टोटल नंबर इज, आपको क्या प्रिंट करवाना है सम को करवाना है, तो अब आप यहाँ बाहर नहीं लिखेंगे, अब आप इसके अंदर ही लिखेंगे। जो स्ट्रिंग है ना, बोलेंगे रुक भाई मैं तुझे स्ट्रिंग के अंदर ही सम लिखूंगा यहीं पे। तो जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हैं वो ये काम करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है ना स्ट्रिंग से पहले आप एक एफ लगा देंगे, ऐसे जहाँ पे जहाँ से शुरू हो रहा है स्ट्रिंग वहाँ पे आप सिंपल से एक एफ लगा दें। उसके बाद आपको जहाँ पे प्रिंट करवाना है वहाँ पे एक क्या कर दें, ऐसे ये जो साइन है ना ये लगा दें। तो क्या होगा इसका मतलब कि ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो भी इंटीजर हो या जो भी फ्लोट हो या जो भी आई एन टी हो कोई मतलब नहीं पड़ता, जो भी आंसर है उसको प्रिंट करवा दो। तो ये वाला थोड़ा पुराना एरिया है, ये बहुत पाइथन का जो वर्जन है ना टू था,
उसका था ये, पाइथन वर्जन वर्जन 2 का था ये आइडिया। ये है सेकेंड आइडिया जो वर्जन 3 में भी नया नया आया है, इसलिए मैं बोलता हूँ वर्जन 3 बहुत यूजबल है भाई, वर्जन 3.7 में आया है या 6 में भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि जो ये ईएफ लगा दिया, इसका मतलब क्या कि इसके अंदर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें बस हमें ऐड करना है जो यहाँ पे उसका वैल्यू देना है। तो यहाँ पे ईएफ लगाने का मतलब फ़ायदा हो गया कि आपको अब ये इससे मतलब नहीं कि आप स्ट्रिंग हो इंटीजर हो फ्लोट हो, कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन इसका जो ईएफ लगाने के बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, ये दो जो है ना इसको लगाना पड़ेगा, इसके अंदर वो लिखना है जो आपको चाहिए, सम लिखना है, हमें सम चाहिए। देखो समझा गया होगा, लेकिन अगर आप ये कैंसिल कर दो फिर नहीं होगा, पिन नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस तरीके से एफ लगा दो, जब स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है उससे पहले एफ लगा दो। एफ लगाने के बाद में क्या करो आप, यो टोटल नंबर आपको जहाँ पे नंबर पिन करवाना है ये नंबर सम, वहाँ पे ये लगा दो, दो उसके अंदर लिख दो सम। अब फिर से पिन करवा लो आप 10 10। अब देखो ये जो पहला वाला, जो पहले वाला है योर टोटल नंबर इज 20, पहले वाला, और सेकंड भी वही कर रहा है, योर टोटल नंबर इज 20, यानी कि योर टोटल नंबर इज, अब यहाँ पे जो सम है ना वही आएगा यहाँ पे सम, इससे मतलब नहीं कि अब कोई स्ट्रिंग हो फ्लोट हो कुछ मतलब नहीं है अब, क्योंकि यहाँ जो एफ है ना ए इसको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हमने ए वाला यूज करते हैं हम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे फेसबुक पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए अगर अच्छा लगा तो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर कुछ नया प्रोग्रेस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटून गुड बाय।